चतरौली में प्राथमिक विद्यालयों की क्या हालत है यह हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा लगातार यह कहा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है, स्कूल बेहतर बन रहे हैं, लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजें ताकि बच्चे देश का भविष्य आगे बढ़ सके। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी लगातार स्वच्छता अभियान को तवज्जो दी जाती है, लेकिन अतरौली के इन प्राथमिक विद्यालयों के तो क्या ही कहने। विद्यालयों में हर जगह गंदगी के अंबार हैं, यही नहीं शौचालयों में तो खजाना छुपा हुआ है। जी हाँ, आपने गलत नहीं सुना, सही सुना, शौचालय में खजाना रखा हुआ है। इसी को लेकर विद्यालय के प्रबंधक और स्कूल के शिक्षकों के द्वारा विद्यालय के शौचालयों में ताले जड़ दिए जाते हैं। बताइए, ताले जड़ दिए जाते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ खजाना छुपा है। क्या कुछ है यह पूरा मामला, देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाख कोशिशें कर ले कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बेहतर हो, लेकिन धरातल पर ऐसा नजर नहीं आता। योगी आदित्यनाथ भले ही लाख दावे करें कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो रहा है और शिक्षा बेहतर हो रही है, स्कूली बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास करते नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समाचार 24 की टीम कुछ प्राथमिक विद्यालयों में पहुंची और हमने ग्राउंड जीरो का नजारा देखा तो हम भी चौंक गए। हमने पाया कि किस तरीके से स्कूलों की शिक्षा और विकास रुका हुआ है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों को सही समय पर स्कूल खुले नहीं मिलते, आधे टीचर तो आते ही नहीं हैं और उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है उनका तो कुछ पता ही नहीं, और उनकी स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था के तो क्या ही कहने। बाथरूम और लेटरिन बने हुए तो हैं पर वह टूटे पड़े हैं, जो सही हैं उन पर ताला लगा रखा है। हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले समाचार 24 की टीम साकरा पंचायत के हारनपुर खुद्र पहुंची। हमने पाया कि 10 बजे भी 5 स्टाफ में से सिर्फ एक स्टाफ मौजूद रहा, वह भी आराम से बैठा हुआ था, बच्चे आराम से अपने क्लासों में शरारत कर रहे थे। फिर हमने शौचालय की स्थिति देखी तो वह तो बहुत ही खराब थी, जिसमें कोई भी बच्चा टॉयलेट नहीं जा सकता। जब हमने टीचर्स से पूछा कि इसके बारे में उनका क्या कहना है तो उन्होंने बताया कि बाकी अध्यापक लेट आते हैं और ग्राम प्रधान हमारी सुनते नहीं हैं, और जो स्थिति है वो आप सामने देख ही रहे हैं। यहाँ पे कोई भी टीचर क्लासों में नहीं है, कोई भी टीचर, और सिर्फ एक ही टीचर आए हुए हैं। बाकी सर यहाँ पे कितने टीचर हैं? यहाँ पे 5, बाकी कहाँ हैं? 3 अध्यापक, 2 शिक्षक। कहाँ हैं बाकी सर? एक तो सस्पेंड चल रहे हैं। अच्छा। और 2 शिक्षा मित्र हैं जो अभी नहीं आए, एक छुट्टी पर। यानी कितने बजे का टाइम है? 9 बजे का। अभी कितने बज रहे हैं? 10 बज रहा। जहाँ एक तरफ शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी, जो गांव-गांव को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, वहां पर 10 बज चुके हैं। इस स्कूल में ये हरनपुर गांव है जो सांकरा के पास पड़ता है, यहाँ पे इस गांव में 5 टीचर हैं, लेकिन 5 टीचर में से सिर्फ एक टीचर है जो अभी हमारे सामने, अपना नाम बताइए। जो पराग सर हैं, आप भी बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप भी बैठे हुए हैं। मैं तो काम दे दिया है अभी, और जो अभी MDM वगैरह आज प्रपत्र जाएंगे वो तैयारी कर रहा था। अच्छा। ले देखे भाई साहब, शिक्षा की जो धज्जियां उड़ा रखी हैं, बिल्कुल ही बच्चों की, जब बच्चों की नींव ही कमजोर होगी तो क्या होगा। लेकिन सारी धज्जियां और मैं और स्कूल की हालत दिखाना चाहता हूँ, सब तरफ यानी कि कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना टीचर है, बच्चों के भविष्य को अंधकार में कर दिया जाता है। अभी मैं बच्चों को दिखाने आ रहा हूँ, 4-5 बच्चे बैठे हैं, 4-5 बच्चों पर ही 10-5 टीचर हैं, लेकिन 5 टीचर में से सिर्फ एक टीचर आया हुआ है,
ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है ये हमारा देश। मैं पूछना चाहूंगा, हमारे जो संदीप भैया जी हैं, आप बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, आपके पूरे प्रदेश का, आपके पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, ये तो आपका क्षेत्र है। जब आप अपने क्षेत्र को नहीं संभाल सकते, प्रदेश को कैसे संभालोगे? ये आपके ही स्कूल की स्थिति दिखाने जा रहा हूं मैं, और यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की मैं स्थिति दिखाता हूँ। आइए, देखिए देखिए, ये इस तरीके से बच्चे इस चीजों में जाएंगे, क्या होगा? ये सुलभ शौचालय है यहाँ, यानी कि बाहर शौच मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री जगह जगह लैट्रिन और वो बांट रहे हैं। स्कूल की हालत देखिए, इसकी भी हालत दिखा दीजिए जरा, ये देखिए, ये है वारे मेरे शिक्षा विभाग, वारे। इधर भी दिखा दीजिए जरा, इधर दिखाइए, बच्चे यहाँ के लैट्रिन टॉयलेट पेशाब करेंगे, लड़कियों की ये व्यवस्था है, देखिए ना पानी है ना कुछ है, कोई व्यवस्था नहीं। स्कूलों की इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लाखों अरबों रुपए स्कूलों के लिए आता है, वो जाता कहाँ है, किसके पास जा रहा है? संदीप भैया जी, मैं आपसे ही सवाल करना चाह रहा हूँ, ये स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? आप प्रदेश को कैसे संभालोगे जब आपके स्कूल की यही, आपके क्षेत्र की, आपका क्षेत्र दिखा रहा हूँ ये मैं आपको। इसके बाद हमारी टीम साकरा स्कूल पहुंची, वहां भी कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय टूटे हुए थे, जो एक शौचालय ठीक था उस पर ताला लगा रखा था। अब बताइए जरा कि स्कूल के शौचालय में ऐसा कौन सा खजाना रखा हुआ है जिस पर स्कूल के प्रबंधकों द्वारा ताला लगा रखा गया है? पढ़ाई कर रहे हैं, ना सफाई है ना कुछ है, ये देश हमारा जा कहाँ रहा है? मैं संदीप भैया से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बेसिक शिक्षा मंत्री हो, लेकिन स्कूलों की तरफ एक बार ध्यान तो दो, आप पूरे प्रदेश के हो, आप अपने क्षेत्र पर तो एक बार राउंड आके लगा के देखिए कि हो क्या रहा है। स्कूलों में कोई सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, जहाँ स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है हिंदुस्तान में, और स्कूलों में जाके देखिए ऐसा लगता है झाड़ू ही नहीं लगी है इस क्लास में है, लेकिन इस स्कूल में सफाई का मुद्दा है ना, सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन क्या स्वीपरों का साफ सफाई के लिए क्या सरकार से पैसा नहीं जा रहा है? आखिर ये सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? आज मैं ये, आइए मैं इधर दिखाता हूँ, ये सफाई बराबर में बच्चों का क्लासरूम है, ये कूड़ों का ढेर लग रहा है, यहाँ आग लगाया जा रहा है, ये सफाई है, ये सफाई अभियान है स्कूलों में। यहाँ पर अभी मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, इस चीज पे पैसा बर्बाद होता है। स्वच्छ हाथ स्वच्छ आप, ये क्या है, स्वच्छ हाथ स्वच्छ आप, लेकिन सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। ये प्रिंटिंग, ये दीवारों पर लिखने से और ये प्रिंटिंग करने से कहीं कुछ नहीं होता, सफाई नाम की भी तो कोई चीज होनी चाहिए स्कूलों में। सफाई दी के तो सही, बच्चों को बताओ सफाई क्या है, लेकिन नहीं, खुद गंदगी फैला रखी है स्कूलों में। और स्कूलों की स्थिति में दिखाता हूँ आपको इस सांकरा के स्कूल की, ये देखिए बिल्डिंग की क्या हालत है इसकी। अगर खेल छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हुए यहाँ आ जाए, अगर बच्चे का किसी को कुछ हो जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है? ये स्कूलों का इतना बुरा हाल कर रखा है, ये देखिए, ये स्कूल है, ये सफाई है, ये सफाई है, ये सफाई हो रही है, वाह मेरे वाह। हम मोदी जी, हम जो भी शिक्षा कर, आप जो शिक्षा के लिए खर्च कर रहे हो वो कर रहे हो, ये शिक्षा ये ईंटों में बिखरी पड़ी है, ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा ऐसे बर्बाद हो रहा है भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, भ्रष्ट अधिकारी सारा पैसा खा रहे हैं। इधर देखिए बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, इधर कैमरा करो, यानी कि बच्चे घूम रहे हैं, कोई अनुशासन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बच्चे क्यों घूम रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, गेट के बाहर से आ रहे हैं। और अब राशन की स्थिति दिखाऊं,
हमारे आते ही साफ सफाई होना शुरू हो गई है, बिल्डिंग पूरी ध्वस्त है। अगर बच्चा इसमें चला जाए स्कूल के अंदर और बच्चे को कुछ हो जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या टीचर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इस चीज का? और शौचालय, शौचालयों पर जहां आके काफी पैसा खर्च होता है, वहां स्कूलों में ये ताले लगा दिए जाते हैं। अगर ताले ही लगाने हैं तो बनवा काय को रहे हो? अरे भैया मैं पूछना चाह रहा हूँ संदीप भैया जी, अगर ताले ही लगवाने हैं स्कूल में तो बनवा काय को रही हो ये शौचालय? और इस शौचालय की स्थिति देखो, देखो हाथ साफ करने का भी पोस्टर दिखाया था वो, ये लेटा पड़ा है, ये लेटा पड़ा है, ये सफाई अभियान है हमारे स्कूलों का, ये लेट रहा है हाथ साफ। पोस्टरों पे दीवारों पे लिखने से कहीं कुछ नहीं होता, ये पानी है इस पे हाथ साफ होंगे? भैया देखो मैं पूरी यूपी की जनता को दिखाना चाहता हूं, टंकी में पानी नहीं है, टंकी में पानी ही नहीं है, आखिर ये क्यों बनवाए जा रहे हैं? क्या होगा इस चीज का? क्या हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है? क्या वोटर बेवकूफ है? आइए जरा जो स्वच्छ भारत की लैटिन है उनकी अभियान ये देखिए, स्कूलों में ये हालत है, बच्चे कहां जाएं शौचालय के लिए? बाहर जाएं? ये भैया ये स्थिति और दिखाओ, कोई सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। शिक्षा को तो ऐसा मजाक बना के रखा है, शिक्षा तो खैर है ही नहीं। जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, मोदी जी दिन और दिन नई नई घोषणाएं करते रहते हैं, योगी जी नई नई घोषणाएं करते रहते हैं, वो सफाई अभियान सिर्फ उस दीवार पर है। अगर जमीनी स्तर पे आके देखोगे कोई सफाई नहीं, कोई सफाई नहीं। लैट्रिन बाथरूम बनने हैं तो देखो वो ताला लगा हुआ है, आखिर ये क्यों बनाया गया? सरकारी पैसा क्यों बिगाड़ा गया? जनता का पैसा क्यों बिगाड़ा गया? जनता से टैक्स ले रहे हो क्या? ताला लगाने के लिए ले रहे हो? ये जो दीवारों पे सफाई, जो योगी जी मोदी जी सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी यहाँ पर कोई सफाई कर्मी तैनात नहीं है, एक था वो ट्रांसफर करा के चला गया, तब से आया नहीं है। हम बार बार ब्लॉक पे और प्रधान जी के संपर्क में हैं, जल्दी वो इंतजाम करवा रहे हैं। करीब दो महीने हुए, दो महीने से, यानी कि दो महीने से अभी सफाई कैसे? सफाई हमने एक प्राइवेट हायर कर रखा था, अभी त्योहार की वजह से दो दिन से। लेकिन त्योहार तो अभी नहीं है भाई साहब, त्योहार तो कल से शुरू है। हमने उसे बुलाया, त्योहार तो कल से शुरू है, अभी त्योहार नहीं है। ये बात आपकी सत्य है, लेकिन उन्होंने ऐसा बहाना लगाया है। मैंने सुबह सफाई हमने देख ली, एक लैट्रिन बाथरूम पता नहीं क्यों बनी, उसका ताला क्यों लगा रखा है? ताला नहीं लगता, एक में लगाते हैं, बच्चे यहाँ तोड़ जाते हैं। नहीं ताला आखिर, अभी तो आप कॉलेज में, अभी तो आप स्कूल पे हो, फिर आइए मुझे दिखाइए मुझे। नहीं जरूरत क्यों नहीं है? जो है वो बंद पड़े हैं, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, बच्चे कहाँ जा रहे? भैया तो नवीकरण हो रहा है, तो बच्चों की छुट्टी कर दीजिए। जब छुट्टी कर दीजिए, जब आपके कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो छुट्टी कर दो स्कूल की। आप बिल्डिंग पूरी टूटी पड़ी है, किसी बच्चे को कुछ हो जाए उसका जिम्मेदार कौन है? उस तरफ अगर बच्चे जाए कुछ हो, हम लोग देखिए कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, वो आंगनबाड़ी भवन है। अच्छा, वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने बच्चों को उधर जाने से रोक रखा, मना कर रखा है। लेकिन भैया सफाई दो महीने से, बच्चे लैट्रिन बाथरूम कहाँ जाएंगे? वो अभी किसी बच्चे को लैट्रिन बाथरूम लगे उसे कहाँ भेजो? गया टॉयलेट खुलता है, पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था अभी खराब होगी, जब उन्होंने पाइप डाल रखा है। नहीं पाइप डाला है उधर, इसकी शिकायत मुझे काफी दिन पहले से हुई, यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं सफाई चीज की। व्यवस्था की जा रही है, देखिए वो उसकी बिल्डिंग बन रही है, जूनियर वाली काम शुरू हो गया। तो बिल्डिंग के लिए भी तो पानी चाहिए भैया, पाइप वगैरह लेके ना भैया, बिल्डिंग के लिए भी तो पानी चाहिए। तो बिल्डिंग के लिए पानी है तो बच्चों के लिए पानी क्यों नहीं? पाइप में कुछ कर दिया उन्होंने मिस्त्री, अब हम सही कराएंगे इसे भाई, हम कंप्लेंट कर सकते। संदीप भैया जी आप पता नहीं कहाँ लखनऊ बैठे रहते हो, फेसबुक पे मैंने आपके देखी है मीटिंगें चल रही हैं कि वो प्रस्ताव ये प्रस्ताव। जमीनी हकीकत तो ये है भैया जी, जमीनी हकीकत में आप पूरी तरीके से, शिक्षा विभाग यूपी का पूरी तरीके से फेल है, सफाई से लेके शिक्षा से लेके कोई भी व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ पर। इसके बाद हमारी टीम गोपालपुर स्कूल पहुंची, वहां का तो माहौल और ही अलग था।
बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। स्कूल में कूड़े के ढेर लगे थे। बच्चे आराम से लेटे हुए थे और टीचर भी आराम फरमा रहे थे। लेटरिन बाथरूम की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, ना ही पीने का पानी था। जो शौचालय ठीक थे उन पर भी ताला लगा हुआ था। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन शौचालयों में ऐसा कौन सा खजाना है जिन्हें छुपाने के लिए शिक्षकों द्वारा, स्कूल प्रबंधकों द्वारा यह ताला लटकाया गया है। और बताते चले कि यह स्थिति यही नहीं रुकी, स्कूल के बीचों बीच गटर बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, वह खुला हुआ है, कोई भी अनहोनी कभी भी घट सकती है। अतरौली तहसील के कौन सा गाँव है? गोपालपुर। अतरौली तहसील के गोपालपुर गांव में आए हुए हैं हम। ये प्राइमरी स्कूल में दो तीन स्कूलों की स्थिति तो मैं दिखा चुके हैं और यहाँ की भी स्थिति दिखाना चाह रहे हैं कि क्या स्थिति है स्कूलों की। स्थिति देखिए, ये स्थिति है पूरी गंदगियों का ढेर, झूले वगैरह, झूलों को कुछ पता ही नहीं कहाँ है, शायद यहाँ पर गोला मिश्री वाले आते हैं उन्हें बेच के खा लिया। ये पानी देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये खुला हुआ है। यहाँ पे कोई बच्चा इस पानी में गिर गया, कोई हादसा हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है भैया? सफाई नाम की कूड़ों का ढेर, सफाई के नाम पे एक चीज दिखाना हूं, दीवारों पे तो सब कुछ लिखा मिलेगा, यहाँ पे दीवारों पे सब कुछ मिलेगा कि सफाई अभियान और वो, लेकिन सफाई के नाम पर भैया ये कूड़ों के ढेर हैं स्कूल के अंदर। ये सफाई है स्कूलों की, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बच्चों की जो सफाई नहीं कुछ नहीं, जो बेसिक शिक्षा है उसी पर ही कोई ध्यान नहीं है, तो भैया क्या होगा? स्कूलों पे इतना पैसा आता है, पता नहीं कहाँ जाता है। यहाँ स्कूल में बच्चे कहाँ हैं? क्लास में बच्चे अभी चले गए। कहाँ गए? यहाँ पे चले गए बाहर। क्यों गए बाहर? खाना खाने को चले गए, अभी खाना बनाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं। यानी कि खाना आंगनबाड़ी की अभी आई ना है खाना वाली, तो खाना वाले ने आए तो बच्चों को बाहर भेज दो, बाहर बिना छुट्टी से पहले आपने बच्चों को बाहर भेज दिया, कोई बच्चा मिस हो जाए कुछ हो जाए उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं तो अभी यहाँ तक करके आई ना, रोड चल रहा है बाहर, रोड चल रहा है, और रोड पे किसी बच्चे का हादसा हो जाए कुछ हो जाए उसका जिम्मेदार कौन है भैया? कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अब लैट्रिन बाथरूमों का मैं हाल दिखाऊं, ताले तो हर जगह मिलेंगे, जो चीज ठीक है उस पर ताले रहेंगे, हाथ सफाई के लिए राख पड़ी है नीचे, बच्चे राख से उठाएंगे और हाथ धुलेंगे, और हाथ यहाँ धुल सकते हैं। ये टंकी है जो हमारे संदीप भैया ने बड़ी मेहनत से बड़े उससे वो लगवाई है, जो पैसा आ रहा है बेसिक शिक्षा का वो यहाँ आ रहा है इन टंकियों पे, टंकियों पे बच्चे हाथ धुलेंगे। और ये देखिए, ये आइए जरा कैमरा दिखाइए, दिव्यांग शौचालय श्री गोपालपुर बिजौली। भैया जी ये चीज पूछना चाहूंगा, ये ताले लगने के बाद शौचालय कोई कैसे जाएगा बच्चा? ये ताला क्यों, इस ताले का क्या मतलब है? चलो अब हम दूसरी जगह चले बच्चों को यहाँ। अरे ये क्या है भैया? अरे ये भी शौचालय है, इस पे भी ताला। वाह मेरे स्वास्थ्य विभाग वाह, तुम कहाँ हो, शिक्षा कहाँ है, और सफाई है सफाई, वाह भाई वाह, स्कूल की सफाई देखिए, खिड़की जंगले दीवारों की, ये भ्रष्टाचार की निशानी है। मैं यूपी की जनता को दिखाना चाहूंगा, ईंट के नीचे से ईंट गायब है, ये भ्रष्टाचार की निशानी है। जो भ्रष्ट ठेकेदार, भ्रष्ट अधिकारियों की मिलके मिली जुली बहस से जो पैसा खाया जाता है वो इस तरीके से बर्बाद होता है। जो हमारा तुम्हारा जो गरीब बच्चों हमारे लोगों के जो पैसे हैं वो यहाँ, अब देखिए इसको पैसा बर्बाद होगा, फ्री में तो लिखा नहीं गया होगा। काफी टेंट, जल जीवन मिशन, हर घर जल, हर बचाओ बूढ़ा और जवान, पानी बचाकर बने महान। भाई साहब पानी बचाने की पूरी व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम पे ताला लगा दिया गया है, हाथ धुलने की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे बड़ी योगी जी मैं बाबा जी से कहना चाहूंगा, आप जैसी व्यवस्था तो खैर कोई कर ही नहीं पाएगा। संदीप भैया जी इससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती जल बचाव की, लैट्रिन बाथरूमों से ताला मार दो,
पानी की कोई व्यवस्था नहीं बच्चों की, कोई कुछ नहीं, तो जल की जल भराओ और जल की सुरक्षा, तो इससे अच्छी कोई तरीका ही नहीं है। और भी मैं दिखाना चाहूंगा, पलस्तर देखिए, ये भ्रष्टाचार की निशानी है। जो भ्रष्ट अधिकारियों ने जो भ्रष्ट स्कूल वालों ने मिलके जो पैसा खाया है, इसमें सीमेंट का तो खैर लगी नहीं, सीमेंट होती तो इस पलस्तर की ये हाल नहीं होते। दीवारों के हाल देखिए, कोई कुछ नहीं, सफाई के नाम पर कोई कुछ नहीं, पता नहीं क्या ताले हर जगह, जो चीज ठीक होगी उस पर ताला, सिर्फ अगर कोई जांच आई कुछ आई तो उस चीज को रातों रात ठीक कर दिया जाता है। बाकी स्कूल में बच्चों का तो पता ही नहीं चलता बच्चे कहाँ हैं। देखिए बच्चे सो रहे हैं, सो आराम से बेटा, ये हमारा भविष्य है, ये हमारे देश का भविष्य है भैया, ये हमारे देश का भविष्य है। इधर देखिए, आइए, बच्चों को ना बैठाने की व्यवस्था ना कुछ, ये हमारे देश को मजबूती मिलेगी इन बच्चों से। सफाई अभियान सब दीवारों पर, सब कुछ दीवारों पर है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं है। टीचरों का कुछ पता नहीं, टीचर कितने हैं क्या हैं, बच्चे आंगनवाड़ी बोल रही है, बच्चे घूमने गए हैं बाहर, खाने की कुछ पता नहीं, क्लासों की स्थिति देखो बहुत ही ज्यादा खराब। बच्चा इसमें छोटे बच्चे हैं, मैं चीज बताऊंगा, छोटे बच्चों को यहाँ स्कूलों में सीट प्रोवाइड नहीं कराई गई है, क्योंकि बच्चे गिर जाएंगे, उन्हें पलस्तर में पट्टियां बिछा दी गई हैं कि सेफ रहेंगे, लेकिन ये कुआं उन बच्चों को खोद के दे दिया गया है और इसमें पानी है कि इसमें गिरे नहाए और स्विमिंग पूल से गर्मी लगे तो यहाँ से नहा के अपने घर पे जाए। ये स्विमिंग पूल की व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है, धन्यवाद मेरे शिक्षा मंत्री जी संजीव भैया जी, मैं ये चीज दिखाना चाहता हूँ, ये व्यवस्थाएं कब तक चलेगी। कागजों पर तो दुनिया चलाई, सपा सरकार आई, भ्रष्ट सरकार आई, उसने जो किया, लेकिन वही हाल इस सरकार में हो रहा है, जो कुछ है कागजों के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे अगर जमीनी स्थिति देखें तो जमीनी स्थिति इस तरीके से है, कॉलेजों की टीचरों की सैलरी तो 70,000 रुपए दे है, टीचरों का सब कुछ है, लेकिन पानी, इस स्कूल में दिखाया पानी की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये नल है, जरा इसे भी दिखा दीजिए, ये नहीं पता पानी कहां से आएगा, प्रभु कहां से आएगा, कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भैया जब हमारी जड़ ही कमजोर रह जाएगी, जब हमारी जड़ें ही कमजोर रहेंगी क्या होगा, हमारे बच्चों के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। ये बच्चे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, इनको बैठने के लिए कुर्सी मेज नहीं है, टीचरों की सैलरी इतनी है, इतना खाने पीने पे, इतनी रोनों पे व्यवस्था हो रही है, लेकिन जो देश का भविष्य बैठा है ना, वो नीचे बैठ के पढ़ा रहा, जो अच्छा गिर जाए उसका जिम्मेदार कौन है। उसके लिए हमने जो ठेकेदार है, क्योंकि ये उसमें ग्रांट में आता है ग्राम प्रधान वाली, ठीक है ना, तो मैंने उसको ठेकेदार को कम से कम, मेरे पास में रिकॉर्डिंग भी है उसकी, 4 बार कॉल की है कम से कम, इतनी बार एक दो बार हड़काया भी है उसको मैंने, उसको बोला है कि हमने अपने अधिकारियों को लिख कर भेज दिया, बाकी हमने लिख कर भेज दिया है। ग्राम प्रधान दिनेश कुमार, दिनेश कुमार नहीं, यही गोपालपुर के, हाँ, ताले लग रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, ताले लगे हुए इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ग्राम प्रधान से पहले जिसको ठेका दिया था उनको बनाने को, उसी मद में आता है पैसा सारा बनाने तो के लिए। अब ये सारे लैटिन बाथरूम सब मेरी बात तो सुनिए, तो उन्होंने क्या किया, इसका भी पैसा उसका हुआ नहीं है ठेकेदार का, तो ठेकेदार चाबी लेकर के और चला गया। हाँ संदीप भैया जी देख रहे हो, ग्राउंड की स्थिति, ताला बंद, टंकियां बंद, स्वच्छता के जो अभियान है वो सब दीवारों पे ही लिखे हुए अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे सारा सब कुछ बेकार। मैं यूपी की जनता को दिखाना चाहता हूँ हमारा देश का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, ऐसे नहीं होगा। देश के भविष्य का क्या होगा, हमारे देश के भविष्य का, हमारा भविष्य जमीनों पे बैठ के पट्टियों पे पड़ रहा है। इसके बाद समाचार 24 की टीम कंचनपुर स्कूल पहुंची, वहां भी पूरे स्कूल में एक ही टीचर मिला और कमियां छुपाने के लिए मीडिया कर्मियों से
बहस करने लगा। वहां भी कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। जो शौचालय बने हुए थे वहां पर भी उन पर ताले लगे हुए थे, बंद पड़े हुए थे। कोई शौचालय कैसे जा सकता है? इस बात को लेकर मीडिया कर्मियों से वहां के स्टाफ के द्वारा बहसबाजी हुई। आज हम अतरौली तहसील के ये उच्च प्राथमिक विद्यालय कंचनपुर में आए हुए हैं और यहाँ भी साफ सफाई की दिखाएं अगर तो जगह जगह घास। इस क्षेत्र में बता के चलूंगा, इस क्षेत्र में सांप वगैरह बहुत निकलते हैं। सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। बच्चों को अगर कुछ घटना घट जाए, कुछ भी घट जाए, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? और बच्चों को देखे, बेटा कैसे घूम रहे हो? नहीं, आप ये बताइए आप किसकी अनुमति? नहीं, हमें अनुमति की नहीं, हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। आप हमारे पर केस कर दीजिए। हाँ, हम मीडिया से हैं। नहीं, मीडिया से क्या है? मीडिया से हम दिखा सकते हैं, कुछ भी जनता को दिखा सकते हैं, जो स्कूलों में भ्रष्ट हो रही है। टीचर आप सुनिए, आप पूरे स्कूल में अकेले टीचर स्टाफ कहाँ है? स्टाफ दो ही का है यहाँ पे, हमारे इंचार्ज छुट्टी पे है। इंचार्ज छुट्टी पर है तो फिर आप अकेले संभाल रहे हो? और क्या, भैया यहाँ की साफ सफाई नहीं, हमें मीडिया को परमिशन की जरूरत नहीं होती। मीडिया को परमिशन लेके आइए, जनता को दिखाने के लिए कहीं भी किसी विभाग में कोई भ्रष्ट हो रही है, लेकिन हमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर परमिशन लेके आएंगे आपके पास पहले ही सूचना होते कौन है? अरे हम मीडिया से हैं, आप कौन होते हैं बाहर निकालने वाले? तो आप इस तरह से आओगे, ऐसे आओगे? कैसे आए फिर, कैसे आए हम? क्या क्या है आपके पास? क्या क्या होना चाहिए? हम मीडिया से हम खुद आ सकते हैं, हमें कोई अधिकारी की परमिशन जो नहीं है। तो आप अपना काम करिए ना, आप बच्चों को टीचर को पढ़ाइए, आप टीचर को आप बच्चों को पढ़ाइए ना। हम ऐसे नहीं जाएंगे, पूरे स्कूल की कंडीशन दिखा के जाएंगे। आज देखिए यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम और सफाई दिखाना चाहूंगा। अरे हम बहुत कुछ है दिखाने वाले, आप फोन कर दीजिए। देखिए देखिए, शौचालय और साफ सफाई सब कुछ दीवारों पर ही दिखता है। ये जो टीचर बहस कर रहे हैं, ये देखिए बच्चों के लैट्रिन बाथरूम जाने की जगह पर ताला लगा हुआ है, बच्चे कैसे जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, बच्चे कैसे जाएंगे? साफ सफाई पे गांव गांव घर घर लैट्रिन बनाने की योजना चल रही है, वो इस तरीके से तालों में लग रही है। और मेरी बात सुनो, और ये दिव्यांग शौचालय जो मैं दिखाना चाहता हूँ, दिव्यांग शौचालय पर ताला लगा हुआ है, दिव्यांग शौचालय पर ताला लगा हुआ है, बच्चे कहाँ जाएं? क्या ताला लगे हुए पे कोई शौचालय जा सकता है? ये सफाई है, ये स्कूल की टोटल सफाई है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये टोटल सफाई है स्कूलों की। बच्चों का शिक्षा का स्तर क्यों गिरता जा रहा है? गांव देहात में जो बच्चे हो रहे हैं, ना उनकी व्यवस्था है पढ़ाने की। पूरे स्कूल में दो टीचर हैं, एक छुट्टी पर चला गया, भैया टीचर नहीं है, हम क्या करें, बच्चों को कौन पढ़ाएगा? पानी की कोई व्यवस्था नहीं, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, बच्चा अगर शौचालय को जाएगा कहां जाएगा? ताला लगा रखा है, सभी दिखाएंगे हम, रोड को भी दिखाएंगे, सभी दिखाएंगे। हमारा सारा काम है, हमारा सारा काम है। क्या क्या काम हम सब कुछ करेंगे? ये लेटन बाथरूम पे ताले लगा रखे हैं, काम चल रहा है इस पे, काम चल रहा। बच्चे जब तक कहाँ जाएंगे? अभी है इसकी पुताई चल रही है, तो प्रधान जी ताला मारने का अधिकार है। तो हमें क्या आप उनसे पूछिए ना, प्रधान जी से जाके। तो बहस तो आप कर रहे हो ना हमसे? मैं आपको बता रहा हूँ इस पे काम चल रहा है, पुताई चल रही है। नहीं, आप बहस तो आप कर रहे हो। बहस मैं नहीं कर रहा, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप बच्चों को पढ़ाइए, डिस्टर्ब मत करिए मेरा, डिस्टर्ब मत करिए। एक क्लास में आप दो अकेले टीचर पढ़ा रहे हो, आप डिस्टर्ब बनाइए या टीचर बनाइए? नहीं नहीं, हम सब कुछ बनाएंगे, हम रोड का ही बनाएंगे, ये भी दिखाएंगे। नहीं, हम बात करोगे, बाहर जाइए, बाहर जाइए, हम ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, आप डिस्टर्ब करो, बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, हमें सब दिख रहा है। आप अगर नहीं, आप सुन रहा करो मत। आप हमें काम करने दीजिए, हमें आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए ना, हम जो दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं।
भैया ये देखिए इस तरीके के टीचर हैं जो सच्चाई को जनता के सामने आने देने से रोकना चाहते हैं। सच्चाई सब कुछ दिखाएंगे, बाहर की भी सच्चाई दिखाएंगे, स्कूल की दिखाएंगे, हर सब की सच्चाई दिखाएंगे। यानी कि इनका कहने का मतलब है एक को करो, दूसरों को भी करो, तीसरों भैया सबको करेंगे, नंबर से करेंगे ना, हर चीज की सच्चाई दिखाएंगे। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट टीचर किस तरीके से बच्चों की जनता से जो सैलरी ले रहे हैं वो इनकी बाप की सैलरी नहीं है किसी की भी। सारे टीचरों को हम आम जनता जो टैक्स भर रही है उस टैक्स से सैलरी से इनकी सैलरी मिल रही है, जिनसे इनका घर खर्च चल रहा है। लेकिन छुट्टी बच्चों की पढ़ाई के नाम तक कोई भी नहीं है। अगर बच्चों की पढ़ाई का स्तर देखा जाए बिल्कुल शून्य होगा, बिल्कुल फिरंगिया, और बिल्कुल जगह जगह घास है वो है। ये सिलसिला यही नहीं रुका, इसके बाद हमारी टीम नगला बदन पहुंची, वह भी पूरे स्कूल में एक ही टीचर मिला। स्कूल में ना तो कोई साफ सफाई की व्यवस्था ही और ना ही बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था थी। इसके बाद हमारी टीम जीवाराम नगला पहुंची, वहां भी सिर्फ एक ही टीचर मिला और वहां भी साफ सफाई शौचालय की स्थिति दयनीय ही थी। मानो ये सब अपनी स्थिति पर आंसू बहा रहे हो कि हमारी स्थिति कब सुधरेगी। बच्चों के आने जाने के रास्ते में एक फुट गहरे गड्ढे मिले, जिससे बच्चों के हाथ पैर टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसको लेकर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ये अतरौली तहसील के प्राथमिक विद्यालय नगला बदन में हम आए हुए हैं और यहाँ पे आके पता करते हैं कि यहाँ पे क्या साफ सफाई है, क्या है क्या नहीं है। ऑफिस सफाई की व्यवस्था तो हर जगह भैया फेल ही सी लग रही है। यहाँ पे शौचालय का काम चल रहा है, शौचालय की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। सर क्या नाम है आपका? लोकेश। जैसे शौचालय वगैरह की क्या व्यवस्था है बच्चों की? सर ये सब प्रधान केंद्र में चल रहा सर, अभी सामान वामान आ रहा सर, काम चल ही रहा सर इसमें। चलो चलो ये तो काम चल रहा है जी। जहाँ तक जितने भी हम कई 8-10 स्कूलों में आए, टोटल सभी की व्यवस्था कायाकल्प से सर प्रधानों के अंदर जिंदगी काम चल रहा सर। ये जान के प्रधान के अंदर ही है, जितने अगर बने हुए हैं तो उन पर ताला लगे हुए हैं और जहाँ चलो काम चल रहा है। चलो आपकी ये बात, यहाँ पे कितने टीचर हैं आप? क्या सर यहाँ कितने स्टाफ हैं? कितने स्टाफ सर? दो शिक्षा मित्र हैं, दो हम लोग हैं सर। दो शिक्षा मित्र हैं, दो छुट्टी का है। अच्छा, दो ही लोग आए हैं। दो लोग। तो सर ये बच्चे जैसे जमीन पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ऊपर से कुर्सी मेज वगैरह कुछ अभी नहीं है सर? यानी कि है नहीं है कि अभी है नहीं, अलाउ नहीं है छोटे बच्चों के? सर हो सकती है, धीरे धीरे होगी सर, कायाकल्प में चल रही है सारी चीजें। अच्छा, अभी टाइलीकरण को नाप वाप गया है तो टाइल वाइल लगेंगी। एब्सेंट नहीं हो छुट्टी पे? हां सीएल पे। हां छुट्टी पे। हम क्या क्या नाम है? रामदास सर गुड्डी दे दिए इन्होंने। बैठो बेटा बैठो, ये तो बैठो बैठो बेटा, खाने में मत जी बेटा, जो काम दिया वो काम करो। ये बैठो बैठो। अभी यहाँ पे जो बच्चों को जो बैठने की कोई व्यवस्था है, किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली का विकास हुआ है, दिल्ली के स्कूलों का विकास हुआ है, अगर उस गिनती में किया जाए तो दिल्ली के अपेक्षा यहाँ के सारे स्कूलों में ना बच्चों को बैठने की कोई व्यवस्था है, ना सफाई के इतना। सफाई वाला आता है यहाँ पे? हाँ सफाई वाला आता है सर। झाड़ू तो नहीं लगी शायद? आज नहीं लगी है सर। ऐसे भी मतलब रेगुलर नहीं आता, मतलब रेगुलर नहीं आता है, कभी कभी आता है। ये क्या सफाई वाला किसके अंडर? सफाई वाला तो सर ये सब मतलब यहाँ के लिए वैसे नियुक्त नहीं है स्पेशल, पूरी यहाँ आया मतलब 7 गांव की नया पंचायत है पूरी, उसके ऊपर एक लोग है। नहीं जैसे सफाई के लिए तो स्कूल में कोई व्यवस्था होगी, स्पेशल कोई आदमी नहीं है सर? स्पेशल कोई आदमी नहीं है, यानी गांव प्रधान के ऊपर ही है सर? हाँ वो सब।
ग्राम प्रधान के ऊपर है। ये गांव प्रधान जो इतने बड़े पंचायत का मालिक होता है, इसलिए सफाई का पूरा ध्यान होता है, जो सिर्फ छोटे छोटे स्कूलों की सफाई नहीं करवा सकते, वो पूरे ग्राम पंचायतों की क्या सफाई कराएंगे। उस हिसाब से ग्राम के पीएसी तहसील के जीवा राम नगरा स्कूल में आए हुए हैं, अभिया मतरौली के जीवा राम नगरा तहसील अतरौली के जीवा राम नगरा स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ की कंडीशन पहली गेट में घुसते हुए पता चल रही है कितनी साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ पे हम जो कुछ दीवारों पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, साफ सफाई सिर्फ दीवारों तक ही सीमित है। दीवारों पर पोस्टर बना दिए और लिख दिए और वैसे ही स्कूलों में घुसते दीवारों पर ही है। दीवारों पर जो भी अंदर का जो भी कागजों की कार्रवाई होती है वो सब दीवारों पर है। बच्चों की शिक्षा का ध्यान दिया जाए, बच्चों की शिक्षा, साफ सफाई और जहाँ शौचालय मुक्त भारत वो टोटल तरीके से ये दिया जा रहा है कि शौचालय खुले में ना करें। घर घर लैट्रिन बनवाई जा रही हैं, अगर उन लैट्रिनों की स्थिति देखी जाए ना तो वो भी बहुत बढ़िया होगी। जो अभी तक हमने जितने स्कूलों की स्थिति दिखाई है आपको, टोटल सबकी स्थिति बिगड़ी हुई है। और यहाँ भी स्थिति देख लेते हैं, यहाँ तो अभी स्थिति थोड़ी ठीक है, औरों की अपेक्षा बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, लेकिन दिव्यांग शौचालय जो है ये हर जगह ताला लगा मिला है। भैया ये ताला कैसे लगा? अच्छा दिव्यांग है नहीं है तो इस वजह से ताला लगा हुआ है स्कूलों पे। और बच्चों को इसी देखे, बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो हर स्कूल में 10 से 15 बच्चों से ज्यादा कहीं भी मिले नहीं है। या तो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना चाह रहे हैं तो शायद लूडो और ये कैरम बोर्ड ही खिलाए जा रहे हैं। भैया स्कूल की तरफ से खिलाए जा रहे हैं कि बच्चे अपने घर से लाए, स्कूल की तरफ से ये गेम खिलाए जा रहे हैं? नहीं, स्कूल की तरफ से ही है सारा सामान, स्पोर्ट्स का आया हुआ है, स्पोर्ट्स की है पूरी। अच्छा, उसी का सामान है। हाँ अभी लंच होकर निपटाए नहीं थे। अच्छा कोई, हाँ यहाँ आप ही अकेले टीचर हो और कोई भी? नहीं, दो टीचर है, दूसरे टीचर अभी एनपीआरसी पर रिपोर्ट देने गए हैं, आ रहे हैं। अच्छा दो टीचर है। हाँ। और शिक्षा मित्र? नहीं, इसमें शिक्षा मित्र कोई नहीं है। शिक्षा मित्र नहीं है, खाली दो ही टीचर है ये। लेकिन ये साफ सफाई देखी जाए तो स्कूल की साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। अभी क्या, यहाँ एक तरह का स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, वो मुझे दीवारों पर ही दिख रहा है, पेंटिंगों पर। उसकी साफ सफाई के बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखो बात यह है कि उधर तो कायाकल्प का काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा रोड़ी बदरपुर वगैरह ऐसी चीज पड़ी है और पुताई अभी चल रही है, तो इसमें सफाई का थोड़ा इस तरह से हो रहा है। ये पुताई वाले लगे हुए हैं, नहीं जिस तरह से झाड़ू वाला लगता है, आज झाड़ू तो लगी नहीं है। नहीं, झाड़ू वाला तो बहुत कम आता है, फिर ज्यादातर हम अपने आप ही अपने प्राइवेट लगा रखे हैं। प्राइवेट, ये किसकी गलती है? सफाई का काम किसका है स्कूल का? ये वैसे स्कूल का जो सफाई का कार्य है वो तो थोड़ा प्रधान जी के हाथ में होता है। अच्छा, प्रधान जी की तरफ से कोई आता नहीं है सफाई वाला? नहीं, सफाई वाला आता है, बस वो डेली नहीं आता। नहीं, सफाई तो शायद डेली की जाती है, हम अपने घर की भी सफाई डेली करते हैं और स्कूल की भी डेली होनी चाहिए। हाँ सर, स्कूल की डेली सफाई कराते हैं हम, अपने सफाई वाला। अच्छा, आपने खुद का सफाई वाला लगा रखा है, तो आज क्यों नहीं आया वो सफाई वाला? नहीं, सफाई करके गया है, पर ये थोड़ा सफाई वाले से बोल दिया है, वो करेगा इसको। भैया दिख नहीं रहा, ये तो आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। सफाई अगर रोज झाड़ू लगती या कुछ होता तो इस तरीके से गंदगी नहीं पड़ी हुई थी। कायाकल्प का काम उधर चल रहा है, लेकिन इधर ये ईंट वगैरह पड़ी हुई है, आपने ये भी साफ, ये वाला भी एरिया भी बना है ना, इस वजह से ये नहीं, ये तो बन चुका ना, तो इसको भी बने हुए कई दिन हो गए, 2-3-4-5 दिन पहले बना। भैया मैं यूपी की जनता को दिखाना चाहूंगा, संदीप भैया जी जो कुछ है इन दीवारों पर है, आपके स्वच्छ भारत अभियान जो लिखा हुआ है ना ये यहीं तक सीमित है। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, बाकी वो कहीं ना तो स्वच्छ मिला ना सुंदर मिला, बाकी भारत तो है, इंडिया है, बाकी कुछ नहीं है। टोटल जो जनता का टैक्स का पैसा है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, जनता के पैसे का जो मिसयूज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है। मैं सभी अधिकारियों से, प्रशासन से ये विनती करना चाहूंगा, इस चीज पर ध्यान दें और जो इस तरीके से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है साफ सफाई के साथ, वो इस तरीके से ना हो। चाहूंगा यहाँ पे कम से कम 1 फुट गहरा गड्ढा बीच रास्ते में हो रहा है, 1 फुट गहरे रास्ते में किसी बच्चे का पैर चला जाए, पैर टूट जाए, उसका जिम्मेदार कौन है?
बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, ये ठीक नहीं है। जनता के पैसे का इस तरीके से मिसयूज हो रहा है, ये ठीक नहीं है। और तो और पूरा खिरंजे की ही धज्जियां, ये जो ये भ्रष्टाचार हुआ है ना इसे बनाने में, ये वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट अंदर से मिट्टी ही बैठ गई है, पूरा अंदर बैठ गई। ये भ्रष्टाचार की निशानी रहा है, जो भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्ट लोगों ने मिलके जो इसमें पैसा खाया है, जो ढंग से काम नहीं किया गया है, इस तरीके से जनता के पैसे का मिसयूज हो रहा है। हमारी समाचार 24 की टीम ने तो बस यही पाया कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देते हैं और शिक्षा पर पूरा जोर देते हैं, वहीं यूपी के तहसील अतरौली में सरकारी प्राइमरी स्कूल सफाई अभियान से वंचित है। सिर्फ दीवारों पर पेंटिंग ही मिलेंगी कि सफाई कीजिए, भारत को स्वच्छ रखिए, और अध्यापक स्कूल में आते ही नहीं है, वे घर पर बैठे अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ये हाल तो तब है जब बेसिक शिक्षा मंत्री के क्षेत्र का यह हाल है, तो पूरे यूपी का हाल क्या होगा। इसलिए तो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते।